हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, नाउ टॉपिक स्टडी इज़ अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी ग्रुप। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट को। दोस्तों, इस लाइव टेस्ट में हम देखने वाले हैं भौतिक विज्ञान के टॉप 30+ MCQs जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए और इन 30 क्वेश्चंस में से आप कितने सही कर पाते हैं अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये वीडियो लाइव चलती है टॉपिक स्टडी चैनल पर रात के 9 बजे, तो आप इस वीडियो का टाइम नोट कर लीजिए सबसे पहले। तो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे कवर कराता हूँ रात के 9 बजे, ठीक है। तो आप इस टेस्ट को एंड तक लगाइएगा। और आज के टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कल के टेस्ट से एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो जल्दी से आंसर बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन दोस्तों, मरीचिका का बनना उदाहरण है। देखिए, मरीचिका का बनना उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा गाइस, ठीक है। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं शुरू में ही कर लेता हूँ क्योंकि बीच में आप डिस्टर्ब होंगे। प्लीज़ एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, बहुत ही कम स्टूडेंट अभी तक ज्वाइन हुए हमारे साथ में, तो एक बार आप शेयर करिए, फटाफट शेयर कर दीजिए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। वीडियो आपको पसंद आएगी एंड में जाके आप लाइक कर देना, बट शेयर अभी कर दीजिए क्योंकि कुछ और स्टूडेंट हमारे साथ में ज्वाइन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। बिल्कुल, सौर सेल के यानी कि सोलर सेल के। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा गाइस। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया? तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया है? आइंस्टीन ने। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल दक्षिण से उत्तर की ओर। तो इसका सही आंसर आप क्या लगाएंगे? ऑप्शन डी लगाएंगे गाइस। चले नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रासरव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल, प्रासरव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है सोनोग्राफी में। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा गाइस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई है। तो सही आंसर रहेगा प्रकाश वर्ष, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति करती है। आपको बताना है किस माध्यम में सबसे अधिक तेजी से ध्वनि तरंगे गति करती है। तो ऑब्वियसली बात है ठोस में करती है, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा गाइस, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में छुएं तो लोहे के गुटका ज्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि? सही आंसर रहेगा लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। तो इसका सही आंसर आप क्या लगाएंगे? ऑप्शन बी लगाएंगे, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, तो इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फैदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? बिल्कुल, इसका सही आंसर क्या रहेगा? फैदोमीटर का जो उपयोग किया जाता है समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है गाइस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है भाई। वीडियो अच्छी लग रही है गाइस, बहुत ही कम स्टूडेंट लाइव है इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार कि शेयर कर दीजिए। एक बार यार शेयर कर दीजिए, मैं आपको यहाँ पे 10 सेकंड देता हूँ, 10 सेकंड दे रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपकी 5-6 सेकंड लगती है शेयर करने में। फटाफट जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है और जितने भी टेलीग्राम ग्रुप है उनमें शेयर कर दीजिए आप। चलिए कर दिया शेयर, नहीं करते यार कितना भी बोल लो आप, पता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी
बिल्कुल, इसकी आवृत्ति समान बनी रहती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा गाइस। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रासरव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति कितनी होती है। बिल्कुल, जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो इसका सही आंसर आप ऑप्शन सी लगाएंगे गाइस। ठीक है, और एंड तक देखिए यार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी कर रहे हो, चाहे किसी भी एग्जाम की कर रहे हो, सारे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है। मुश्किल से यार 10 से 15 मिनट की वीडियो होती है, पता नहीं ये भी आपसे पूरा एंड तक नहीं देखी जाती। इसका सही आंसर रहेगा, वायुमंडलीय दाब को मापने के यंत्र का उपयोग किया जाता है बैरोमीटर, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस ताप पे पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो ये तो मेरे हिसाब से सभी आप बता देंगे। बिल्कुल, 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, हाँ बिल्कुल। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 है आपका, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। तो सही आंसर क्या है, सिस्मोग्राफ से। तो सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, मंदक के रूप में, यानी कि सही आंसर क्या रहेगा गाइस, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, वायु में प्रकाश की गति होती है। बिल्कुल, इसका सही आंसर रहेगा 3 × 10^8 m/s, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है। तो गाइज इसका सही आंसर रहेगा 60 डेसिबल, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 60 डेसिबल ठीक है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्न में से कौन सा है। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है, ऐसा यूनिट है, वो इनमें से कौन सा है। बिल्कुल सही, एम्पियर होता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है। तो आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। देखिए, दो अलग अलग वेट के दो पत्थरों को अगर हम छत से जाके छोड़ें तो क्या होगा। पहले छोटा पत्थर पहले मतलब लेट आएगा, कौन सा किस प्रकार आएगा, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम किसी भी छत से जाके किसी ऊंचाई से एक बड़ा और एक छोटा छोटा पत्थर ऊपर से नीचे की ओर छोड़ते हैं, तो दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर सी रहेगा। और यही कंफ्यूज करता है, क्योंकि आप सोचते हो कि जो बड़ा पत्थर होगा वो जल्दी आ जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचेंगे। यही कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, और ये कई बार रेलवे में आ चुका है। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राट जेन ने आविष्कार किया था, राट जेन ने किसका आविष्कार किया था गाइस। बिल्कुल, राट जैन ने आविष्कार किया था एक्सरे मशीन का। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यह आपको याद रखना है। तो सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देता है, इसका कारण है। देखिए, आप कभी भी देखिए, अगर एक बाल्टी में भी पानी रखा है, आप उसको देखेंगे तो वो कम गहरा दिखाई देता है। ठीक है, ऐसा लगता है ऊपर को उठा हुआ। तो ये किसके कारण होता है। बिल्कुल, इसका सही आंसर रहेगा,
अपवर्तन के कारण? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक नैनोमीटर होता है, तो एक नैनोमीटर होता है 10^-7 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो ये क्वेश्चन तो यार कम से कम मैं ही 2-3 बार करा चुका हूँ चैनल पे, तो 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, सॉरी 746 वाट के, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर रहेगा। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके कारण होता है दोस्तों? बिल्कुल, तरंग दैर्ध्य से, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है, तो सही आंसर रहेगा उत्तर दक्षिण दिशा में, तो सही आंसर आपको ऑप्शन सी रहेगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक हटा हुआ हीरा क्यों, सॉरी ये कटा हुआ होगा दोस्तों, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो एक कटा हुआ हीरा जो है वो क्यों जगमगाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, आंसर बताते रहिए यार, आप आंसर भी आप कम करते हैं, शेयर भी कम करते हैं, तो करते क्या हो यार, थोड़ा सा टाइम निकाल लेकर अपने लिए, मैं खुद के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपकी लाइफ के लिए ही है, सब कुछ आपके लिए ही है। अगर आप डेली टेस्ट लगाते हो वो भी अपनी लाइफ के लिए, अपनी जॉब के लिए, आप कुछ माइंड इम्प्रूव करने के लिए, जो भी है सब आपके लिए है। ठीक है, हमारे लिए एक लाइक शेयर होता है, अगर आप वो करते हो ठीक है, अगर नहीं करते हो तो तब भी ठीक है, बट कर दे, अगर आप कर दोगे तो मोटिवेशन मिलता है, आगे से आपको खुद ही इम्प्रूव महसूस होता है कि टीचर कुछ अच्छा कर रहा है हमारे लिए, कुछ और नए नए क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या है, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, बिल्कुल इसका सही आंसर क्या रहेगा गाइस, नाभिक के भीतर, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, वायु की आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा हाइग्रोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाइड्रोजन बम आधारित है, तो हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई, बिल्कुल सही गाइस, इसका सही आंसर रहेगा डेसिबल, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो इसका सही आंसर रहेगा नाभिकीय संलयन द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, गुरुत्व आकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो बिल्कुल आइजैक न्यूटन ने दिया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गाइस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है, कौन सा लेंस प्रयोग में किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस गाइस, तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आज के इस टेस्ट में यही क्वेश्चन थे, आप सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए,
आपके ये कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और जितने भी हैं बिल्कुल सही बताइए। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मेरा नाम सौरभ मलिक सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर आपने टॉपिक स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डेली 9 बजे इस लाइव टेस्ट को लगाना स्टार्ट करिए। बहुत फ़ायदा मिलेगा दोस्तों, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं टॉपिक स्टडी को, कोई डाउट है वो पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।